At 31st December 2021, the accountant of TTC Limited has failed to balance his accounts. Balance his books of accounts. The difference has been carried to the suspense account. Subsequently, the following errors were discovered. The total of purchase rebook for September has been posted in the nominal ledger as rupees 3850. The day book total 3580. क्या बोला है? डे बुक का टोटल है 3580, जो नॉमिनल लेजर में, नॉमिनल लेजर में क्या पोस्ट होता है? परचेज अकाउंट में जो पोस्ट हुआ था. देखो, परचेज अकाउंट डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली कैसे घुमा के बोला है? द अमाउंट दैट पोस्टेड इन द नॉमिनल लेजर. तो स्टूडेंट को जानना चाहिए नॉमिनल लेजर में क्या जाता है. नॉमिनल लेजर में नॉमिनल अकाउंट जाता है, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स को छोड़ के बाकी जो अकाउंट रहता है वो जाता है नॉमिनल लेजर में, मतलब परचेज लेजर. परचेज डे बुक का टोटल कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में. तो परचेज अकाउंट कहाँ रहता है? नॉमिनल लेजर में. तो जिसका टोटल था 3580, पोस्टेड हुआ है वहां पर टू सन्डरी परचेज बोल के परचेज अकाउंट में लिखा है 3850, मतलब परचेज अकाउंट में ज्यादा आपने डेबिट कर दिया है, तो उसको करेक्शन करना पड़ेगा. Wrong entry. Correct entry. Reverse of wrong entry. Rectified. Rectified entry. तो चलिए, यहाँ पर तो सर एंट्री वाइज गलती नहीं हुआ है. अगर एंट्री वाइज गलती नहीं हुआ है तो इसको क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. सर गलत कर रहे हैं, क्यों क्यों गलत कर रहे हैं? सर आप देखिए, परचेज अकाउंट में आपका आपने डेबिट करके रखा है 3850, वेरस टोटल हुआ था 3580. ओ, तो परचेज को ज्यादा डेबिट करके रखे है, तो परचेज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा. ओके, तो किसको डेबिट करना पड़ेगा? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना दिखते हैं? टू परचेज अकाउंट हाउ मच? 3850 माइनस 3580. कोई बोलेगा अमाउंट? बोलो. 3850 माइनस 3580 270. डन. तो इसका तो रिवर्स राइट. एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. तो यहाँ पर तो टू रेज का कोई मतलब नहीं होता है. वाई? बिकॉज ये बैलेंस करने के लिए एरर है, मतलब इसे जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने में इधर उधर किया है. तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ लेकिन परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा बिकॉज परचेज डेबिट हो गया था. बी इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैश डिस्काउंट अलाउड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर ₹750 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹430 हैव बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर. क्या होगा? यहां पर एंट्री वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री में गलती नहीं किया है. डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड में डाला है और डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव में डाला है. तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करना पड़ेगा? डेबिट में डालना पड़ेगा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना, डिस्काउंट अलाउड कितना बोलो, 750 डिस्काउंट अलाउड था, उसको डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड को गलती से डिस्काउंट रिसीव में गलती कर दिया है, तो फाइन। टोटल कैंसिल कितना होगा सर, 750 क्रेडिट कैंसिल करने के लिए प्लस 750 1500 टू 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या बोला है, डिस्काउंट रिसीव को क्या बोला है, डिस्काउंट रिसीव 430 हैव बीन पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम, ना गलती किया मैंने, नो नो नो, डिस्काउंट रिसीव है 430, ठीक ही है, 750 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव में क्या कर दिया, इतना झमेला की जरूरत ही नहीं है, डिस्काउंट अलाउड को उसने 750 डिस्काउंट रिसीव बोल के दिखा दिया है, और डिस्काउंट अलाउड को उसने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया है, तो कैसे इसको हैंडल करोगे बोलो। 750 प्लस 430 होगा ना सर डिस्काउंट अलाउड में, वही तो पूछ रहा हूं, कैश डिस्काउंट है नवंबर मंथ का 750 एंड डिस्काउंट रिसीव है 430 हैव बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट इन द लेजर, रॉन्ग साइड मतलब डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव बोल के डाला है एंड डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड बोल के डाला है, तो डिस्काउंट अलाउड में पहले से 430 है सर, सोचो डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव बोल के डाला है और डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट रिसीव का फिगर डाला है, कितना डिस्काउंट रिसीव का फिगर डाला है सर, माइनस कर, यस 750 होना चाहिए था और उसने कितना फिगर लिख दिया है, 430 फाइन, समझ में आया, होना चाहिए था 750 और उसने डिस्काउंट रिसीव का फिगर 430 लिख दिया है, तो कितना कम लिखा है, 750 माइनस 430 320 सर कम लिखा है, डिस्काउंट रिसीव में होना चाहिए था 430, उसने क्या किया है 750 को क्रेडिट कर दिया है, तो उसने क्या ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो डिस्काउंट रिसीव को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, वेरी गुड, कितना डेबिट करना पड़ेगा सर, होना चाहिए था 430 और उसने लिख दिया है 750 माइनस 430 320, टैली तो नहीं किया, नेचुरली डिफरेंस तो आएगा ही, टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट कितना 640, क्लियर और नॉट, ध्यान से देखो, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में उसने 320 डाल दिया है, 430 डाल दिया है डिस्काउंट रिसीव का फिगर, और तो डिस्काउंट अलाउड का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो 750 डेबिट होना चाहिए, उसने 430 डेबिट करके रखा है, तो कितना एडिशनल डेबिट करना पड़ेगा 320, डिस्काउंट रिसीव कॉलम में 430 क्रेडिट होना चाहिए, उसने 750 क्रेडिट करके रखा है, तो कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया है 320, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया और डिस्काउंट अलाउड अंडर डेबिट था इसलिए डेबिट किया, डिस्काउंट रिसीव ओवर क्रेडिट था उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया 320, तो दोनों ही डेबिट हुआ, टू सस्पेंस 4640, क्लियर और नॉट,
Is it okay? Yes, sir. Okay. Or return of goods by customer 150. अब आ जाएगा अकाउंट में गलती. Or return of goods by a customer rupees 150 has been posted to the debit side of the sales ledger. बाद में आता हूं. Return of goods by the customer. जर्नल क्या होगा? Return account debit because customer return दे रहा है, इसका मतलब है loss है. रेवेन्यू घट रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा. रिटर्न अकाउंट डेबिट 150 टू कस्टमर, यही एंट्री होना चाहिए था. क्या किया है देखो, 150 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द कस्टमर अकाउंट. कहां बोला है कस्टमर? अरे भाई सेल्स लेजर मतलब कस्टमर. तो रिटर्न में कोई गलती हुआ है? नो. रिटर्न डेबिट 150 कस्टमर डेबिट 150 टू सस्पेंस 300. उल्टा सस्पेंस डेबिट 300 टू रिटर्न कितना 150 टू कस्टमर 150. तो रिटर्न रिटर्न कट जाएगा, क्या रहेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू रिटर्न राइट टू कस्टमर कितना 300. नेक्स्ट, आप बुक डेट जानते हो? बुक डेट का मतलब क्या होता है? बुक डेट का मतलब जानते हो? बुक डेट का मतलब क्या होता है? बुक डेट फर्स्ट अप्रैल डेटर्स, आ बुक डेट डेटर्स 260 ड्यू बाय संजय सेन हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स लेजर. देखिए यहां पर एंट्री वाइज कोई गलती नहीं हुआ है. सेल्स लेजर मतलब डेटर्स का लिस्ट से एक डेटर्स 260 आउट हो गया है, मतलब डेटर्स का बैलेंस कम हो गया है. तो क्या करना पड़ेगा? डेटर्स का बैलेंस मुझे बढ़ाना पड़ेगा. डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज ओमिट कर देना मतलब डेटर्स का बैलेंस कम हो गया है. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, अच्छा वहां पर कस्टमर लिखते हैं तो कस्टमर अकाउंट अकाउंट डेबिट कितना ओमिट हो गया था 260 टू सस्पेंस 300. हाँ बेटा बोलो और एक बार सर. सुजॉय तो लिख सकते हैं ना सर? एकदम एकदम चटर्जी लिख दिए सर, क्योंकि कस्टमर ही लिखना, बिकॉज़ यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पार्टनर का नाम से एक ही बुक में हो रहा है तो इसलिए मैं सुजॉय को प्रेफर नहीं करता हूँ. लेकिन सुजॉय लिख के अगर लिखेगा तो एक पॉइंट में भी नंबर हाथ नहीं लगा सकता. एक पॉइंट में भी कैसे काटेगा? कौन सा लॉजिक से काटेगा? काट देगा बोलने से ही हो जाएगा. काट देगा नंबर, हाँ खेला हो रहा है. एकदम ठीक है सुजॉय. कैश ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने ड्रॉ किया है 500, हैड नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर. यहां पर कोई एंट्री नहीं दिया है, मतलब ये एंट्री का ही गलती था. यहां पर कोई रॉन्ग एंट्री नहीं है तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा. करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइड एंट्री है. तो करेक्ट एंट्री क्या है? Cash drawings of proprietor 500 had not been posted to the ledger. Achha. Chaliye entry. Correct entry. Cash debit. Drawings account debit. Debit 500 to cash. Normally cash mein koi galti nahi karta hai.
कैश डेबिट क्रेडिट ठीक ही करता है, अकाउंट में गलती करता है। उसने गलती क्या किया है, उसने ड्रॉइंग अकाउंट में पोस्टेड ही नहीं किया है, उसने क्या किया है, टू कैश अकाउंट किया है, कैश 500 दिया है लेकिन ड्रॉइंग्स बोल के कुछ नहीं दिया है, तो सर टैली कैसे हुआ? सस्पेंस अकाउंट, कितना सस्पेंस डेबिट कितना बेटा 500। उसने लेजर ड्रॉइंग का लेजर का अकाउंट जो होता है लेजर में उसका जनरल लेजर में उसका पोस्टिंग ही नहीं किया है, तो कैश का तो हो गया था लेकिन ड्रॉइंग का कोई नहीं हुआ था। उल्टा ऑफ दैट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट 500 टू सस्पेंस 500। कंबाइंड एंट्री कैश कैश कट जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2 सस्पेंस। सर यहाँ पे हम लोग कैश क्यों लिए सर, हम लोग को तो कैपिटल लेना चाहिए ना। थोड़ा एंट्री बोलेंगे ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये बाबा, और कैश में जो ड्रॉ किया है उसका एंट्री क्या होगा? कैश तो लेके गया है तो उसका एंट्री नहीं होगा, कैश क्रेडिट नहीं होगा, आपका एसेट है चला जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। यस सर, ड्राइंग कैश ही तो होगा करेक्ट एंट्री। अगर ड्राइंग नहीं लिखना चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट टू कैश तब भी अलाउ है। ओके सर, कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एन अमाउंट 200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर had not been brought forward as a opening balance in insurance account. बहुत important है ये, यह wrong entry कुछ नहीं है, कोई entry missing किया है, लेकिन ये entry होगा क्या? जो बोलेगा उसको मैं university का question ही बोल दूँ। उसका जो यूनिवर्सिटी में इंटरनल हम लोगों का होगा उसका सब क्वेश्चन उसको ये अकेला बता दूंगा। बोलो सर, क्लोजिंग का एंट्री बोलो, तो क्लोजिंग प्रीपेड का एंट्री बोलो, वो तो बोल सकते हो। क्या होगा ये तो करंट ईयर का बोले हो, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? बोलो सर, आप इतना बड़ा शर्त रख दिए इसलिए कंफ्यूज हो गए। सुन बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए तो एक खर्चा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, मतलब नेक्स्ट ईयर का तो खर्चा है, यस और नो? अगर नेक्स्ट ईयर का खर्चा है तो नेक्स्ट ईयर में इंश्योरेंस का अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, यस और नो? दिमाग लगाओ, अगर इस ईयर का खर्चा नहीं है तो इस ईयर का क्लोजिंग फिगर में इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, बिकॉज ये खर्चा बोल के पूरा जब पेमेंट किया था इंश्योरेंस को डेबिट किया था, इसके बाद इंश्योरेंस का पैसा नहीं आ रहा है तो इंश्योरेंस को क्या करूंगा, मैंने क्रेडिट कर दिया था लास्ट ईयर में, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। नाउ करंट ईयर में क्या होगा? सर करंट ईयर में तो खर्चा है, लास्ट ईयर का खर्चा नहीं था लेकिन इस ईयर का तो खर्चा है, तो इस ईयर का खर्चा है तो इंश्योरेंस में डेबिट करना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. इंश्योरेंस को डेबिट करोगे तो क्रेडिट किसको करोगे? टू कैश तो नहीं लिख सकते बिकॉज ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो, तो टू क्या लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस, टू टू प्रीपेड इंश्योरेंस। वेरी गुड, याद रखना
क्लोजिंग में जो एंट्री होता है उसका ही उल्टा ओपनिंग में एंट्री होता है, लेकिन लॉजिक क्या है सोचो। लास्ट ईयर में आपने कैंसिल किया था एंट्री, एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया था, इसलिए इंश्योरेंस को आपने क्रेडिट किया है, ओके? लेकिन नेक्स्ट ईयर में, करंट ईयर में इंश्योरेंस क्या होगा? करंट ईयर में इंश्योरेंस तो खर्चा है, तो खर्चा को दिखाइए। तो डेबिट इंश्योरेंस अकाउंट सर, ये वाला थोड़ा सा फिर से बता दिए सर, इंश्योरेंस वाला थोड़ा सा बाउंस हो गया सर। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कितना? 500। आपका सवाल है सर, ये क्लोजिंग में अगर एंट्री होता क्या होगा? क्लोजिंग में एंट्री जब होगा तो एंट्री होता था प्रीपेड इंश्योरेंस, बिकॉज ये आपका एसेट है, नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट करंट ईयर क्या क्लोजिंग में। व्हाट इज द एंट्री ऑफ द नेक्स्ट ईयर ओपनिंग, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में तो इंश्योरेंस खर्चा है, तो खर्चा तो आप जानते ही है, डेबिट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस। टू कैश तो नहीं लिख सकते, बिकॉज आप एडजस्ट, तो नेक्स्ट ईयर का जो खर्चा दिखा रहे हैं उसका पेमेंट कैसे होगा? मैंने जो एडवांस दिया देके रखा था उसका एडजस्ट कर रहा हूं, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा एसेट था उसको अब कैंसिल कर रहा हूं टू प्रीपेड इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस मेरा खर्चा बोल के डेबिट हो गया है। 19 क्लियर और नॉट? देखिए समझ गया, आप लोगों को बता देता हूं, 99% लोग क्लोजिंग एंट्री देना जानते हैं लेकिन ओपनिंग एंट्री देना नहीं जानते। आप लोग मिला के देखिएगा, क्लोजिंग एंट्री तो सब स्टूडेंट बोल देगा, सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री, व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री? नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे तो सर वो उस टाइम वेजेस जब पेमेंट करोगे वो तो उस ईयर के वेजेस नहीं है, बैक ईयर का वेजेस है, तो इसलिए मैंने क्या किया तब ठीक उल्टा एंट्री करके रखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। याद रखना क्लोजिंग एंट्री का ऑपोजिट होता है ओपनिंग एंट्री, और ये क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री मिसिंग था, एंड अमाउंट ऑफ 200 बीइंग द इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर हैड नॉट बीन ब्रॉट फॉरवर्ड इन द ओपनिंग बैलेंस। ये क्लोजिंग में गलती नहीं है, ओपनिंग बैलेंस में गलती था। समझ में आया? चलिए जी सर, एंट्री में अमाउंट मिस्टेक हुआ, 200 होगा। कितना? 200, अच्छा वो हो सकता है, सॉरी 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 सर, एक बार क्वेश्चन में जाइए वही वाला। फिर से जा रहा हूँ, एक बार नहीं 10 बार जाऊंगा। आप सारा दिन में अगर कुछ सीखे हो तो यही सीखे हो, और कुछ नहीं सीखे हो, बाकी तो इसमें क्या स्पेशल है सर? सर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस हो रहा है तो पहले वाला, तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस अगर लास्ट ईयर का था तो लास्ट ईयर का एंट्री उसने दे दिया था, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, लास्ट ईयर में वो एक्सपेंसेस के घटाया है, एक्सपेंसेस घटाने का मतलब है एक्सपेंसेस के ऊपर क्रेडिट किया और प्रीपेड एडवांस दे दिया है, डेबिट किया है। इस ईयर में क्या है सर? ये तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो उसने एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू। सर बैंक से कहां पेमेंट हुआ? बैंक से तो पेमेंट नहीं होगा, नहीं हुआ, तो नेचुरली उसका एडवांस से पेमेंट होगा, इसलिए टू एडवांस। सर अगर एडवांस नहीं रहता तो बैंक से, एडवांस है तो टू एडवांस हो रहा है, सेम थिंग। ओके सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका एक बात मैं बताता हूँ। चलिए तो यहाँ तक कोई सवाल? सर बोल दिए सर, आप 3 बार रुक गए सर, बोलते आप 3 बार रुक गए सर, बोलते बोलते, बाद में बताएंगे।
मेरा जिंदगी में फर्स्ट, आप लोगों बासुदास का नाम सुना है? बासुदास बासुदास मुनीलाल दास बोल के सर थे शिवना शास्त्री का, और मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था शिवना शास्त्री कॉलेज में। मेरा फर्स्ट नौकरी सभी तब सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मास्टर डिग्री कंप्लीट किया था। नेटवर्क इधर उधर कर रहा है। तो उस टाइम बाद में बताते हैं, यहां तक कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। अब बताते हैं सुनिए। मेरा इंटरव्यू था शिवना शास्त्री कॉलेज में, फर्स्ट कॉलेज का नौकरी मेरा। तो ठीक है सर, नौकरी तो हो ही सकता है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने गया नौकरी देने, इंटरव्यू देने के लिए, बड़ा कॉलेज में एकदम जूनियर स्टाफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जाने के बाद मेरा इंटरव्यू लिया गया, तो बाकी क्वेश्चन तो ठीक ठाक हो रहा है। सर ने, एमएलडी सर ने मुझे सवाल किया, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो मैंने तो बोल दिया है सर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो टू इंटरेस्ट। बोला भाई वेरी गुड अभिजीत, व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री। मेरा तो पूरा दिमाग घूम रहा है, इतना बाकी क्वेश्चन में तो पटापट दे रहा था, वहां पर जाके मेरा पूरा हाल टाइट हो गया। क्या होगा मैं बोल सकता था जी सर, वो वहां सर क्लेश हो जाएगा। सर घूम फिर के सर सवाल कर रहे, व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री। तो सर ने मुझसे नहीं हुआ नेचुरली, मतलब आई कैन कंसेप्चुअलाइज, मैं बोल आंसर बोल रहा हूं, लेकिन एक टीचर को जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था होना चाहिए हर पॉइंट में, वो मेरा उस पॉइंट में नहीं था। तो सर ने बोला है ये क्वेश्चन 90% टीचर को भी नहीं आता है, बिकॉज ऑफ द रीजन इसका एक यूनिक मैटर है। क्लोजिंग एंट्री सब बोलता है, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री। तो बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड सर, लोगों को जूनियर था इसलिए पसंद आ गया, नौकरी हो गया था। तो उसके बाद मैंने, मुझको सर ने जो समझाया था, मैं हर जगह ये ऑब्वियसली इसका जिक्र करता हूं हर क्लास में, सब स्टूडेंट जानता है ये एग्जांपल मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। सर ऐसा हुआ था, ये स्लिप नहीं हो रहा। ठीक है, मैं 5 मिनट दूंगा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए, 5 मिनट। चलिए, the trader agreed his trial balance by putting a difference in the suspense account and the prepared trading and profit and loss account and the balance sheet on subsequently scrutiny on subsequent scrutiny the books disclose the several errors as detailed below. A, the check of rupees 750 received for the loss of stock by fire had been deposited in the proprietor's private bank account. Interesting. That is the last formal way में मैं rectification का last problem करा रहा हूं। मजा करेंगे हम लोग। आप लोग एक सेकंड रुकिए, तो मैं आ रहा हूं, एक सेकंड।